हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय गैलरी। तो आज मैंने एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला है, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कि पता है, मैं इंडक्शन का पहले रिव्यू कर चुका था और अभी इंडक्शन का कढ़ाई के बारे में रिव्यू करना है। तो देख सकते हैं कि आज ही मेरे को ये फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है इस प्रोडक्ट को, और आज ही इसको ओपन करेंगे और फुल एंड फाइनल इसका क्वालिटी भी देखेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे, और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो भी बताएंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तो आप पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि एक पैक यहाँ पे दिया है बॉक्स, तो इसको ओपन करना है। यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रैप से पॉलिथीन का रैप करके रखा है, और ये है दोनों सेट। तो एक एक छोटा है कढ़ाई, जो तड़का कढ़ाई बोलते हैं इसको, छोटा मोटा जो भी चीज़ करना चाहते हैं इस कढ़ाई से कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही हल्का, लाइट वेट और मजबूत है, टिका हुआ है। इसका भी इंडक्शन में बैठा के इसका चेक करेंगे कि हीट होता है कि नहीं बाद में। पहले इस बड़ा कढ़ाई को भी ओपन कर लेता हूँ। ये है बड़ा वाला, देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा है। देख सकता है कि ये डिज़ाइन करके रखा है यहाँ से। ये और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बता देता हूँ, ये इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और गैस ओवन में यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को इसीलिए मैं प्रेफर करना चाहता हूँ कि आप अगर गैस एंड इंडक्शन में दोनों में से आप कुक करना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए कम्फर्टेबल। किसी किसी चीज़ में देख सकते हैं कि हम इंडक्शन के लिए पैसा ले बनते हैं और किसी किसी ओवन के लिए, बट ये चीज़ जो है ना, ये दोनों में अच्छे से कुक कर सकते हैं, जो इंडक्शन के लिए भी कंफर्ट है और ओवन के लिए। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और स्ट्रांग है, और ये चार आदमी का तो खाना आराम से बन जाएगा इस कढ़ाई से। और इसका टेस्ट करते हैं ओवन में कैसे, इंडक्शन में कैसे काम करते हैं। तो चलो इंडक्शन की तरफ। गाइस देख सकते हैं कि ये है मेरा इंडक्शन, ठीक है। तो इसका भी आपको लिंक चाहिए और इसका भी आपको परचेस करना है, इसका भी आपको वीडियो देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बारे में रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करना है कि गर्म होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो कड़ाई है, ये मैं बिठा देता हूँ, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे टैप करेंगे। ये ऑन है, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अभी फंक्शन बटन में क्लिक करना है, तो देख सकते हैं कि वाटर हीटिंग के लिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ पे वाटर हीट हो रहा है। मैं देख लेता हूँ कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि दो मिनट भी नहीं दिया मैंने, इसमें दो मिनट भी नहीं लगा, 1.30 सेकंड में ये पानी गर्म होकर उगल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं बबल्स आ रहा है और कितना स्टीम आ गया, तो कितना जल्दी ये गर्म होता है। तो ये तो टेस्ट में पास्ट हो गया, नेक्स्ट वाला छोटा जो है उसका टेस्ट करेंगे। तो ये छोटा वाला जो है, इसमें भी पानी डाला, इसको बिठा देता हूँ मैं और इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठ 45 सेकंड में ये जो है पानी उगलने लगा, तो आप बहुत जल्दी ये गर्म होता है, तो गैस से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और अभी बढ़ते हुए गैस का जो कीमत है, उसी वजह से इंडक्शन तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है और एक ऑप्शन है। अगर आप भी ऐसा एक कढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो ये ज़रूर परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। थैंक यू वेरी मच।